दोस्तों, यह है लिमिट स्विच, और लिमिट स्विच का इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे भी हमारा कोई प्लांट होगा, प्रोसेसिंग प्लांट हो सकता है, या फिर कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको काउंट करना है या फिर उसकी मदद से कोई सिग्नल भेजना है तो वहाँ पे काम आता है। तो अभी देखेंगे, ये है आपका रोलर टाइप, ठीक है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी मशीन यहाँ से जाएगी तो ये क्या होगा, इसको ऐसे प्रेस करेगी, ठीक है। अभी देखिए, आवाज़ सुनिएगा। तो क्या हो रहा है, बेसिकली इसके अंदर NONC होते हैं, ठीक है, और कई टाइप्स के आते हैं NONC, ठीक है। तो जब आपका ये कवर खुलेगा ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टर्मिनल्स हैं। तो बेसिकली NONC है, जैसे 13, 14, 21, 22, तो एक NO होगा और एक NC होगा। तो जब ये प्लंजर ऐसे दबता है तो इसकी पोजिशन चेंज होती है और एक सिग्नल जाता है, चाहे PLC पर जाए, चाहे किसी भी कॉन्टेक्टर पर जाए, तो एक सिग्नल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग टाइप के आपके लिमिट स्विच आते हैं। तो मैं आपको एक और वेरिएंट दिखाता हूँ इसका। तो आप ये देखेंगे, एक इसका एक और वेरिएंट है, तो इसके अंदर ये भी रोलर ही टाइप है, बट इसकी हाइट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और आप देखेंगे, अगर ये ऐसे माउंट है तो ये ऐसे सरफेस को काउंट करेगा, ठीक है। और इसमें एक और वेरिएंट आता है इसका, ये जो रोलर है ना, ये ऐसे रहेगा, ठीक है, मतलब बेस तो ऐसे ही रहेगा बट ये रोलर आपका इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से उसमें फिर ऑब्जेक्ट अप और डाउन काउंट करता है या फिर उस तरीके से सिग्नल को सेंस करता है। तो ये लिमिट स्विच काफ़ी इस्तेमाल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, मे बी आपने इसको फर्स्ट टाइम देखा होगा। तो इसके ऊपर मैं कुछ टेक्निकल वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी।